Welcome again, dear students. Now, again in this lecture, we are going to discuss about the molecular orbital theory. And after going through the formation of MOED, molecular orbital energy level diagrams, now we can easily draw molecular orbital energy diagram for homonuclear diatomic molecules. तो बच्चों आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम को एक्सटेंड करेंगे और डायरेक्ट अब हम होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये जो डायग्राम्स हैं उनको बनाएंगे इस लेक्चर में और हम सीख जाएंगे कि हमें उस पर्टिकुलर डायग्राम से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है. तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो होमोन्यूक्लियर एंड हेटरोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो हम किन्हें कहते हैं. किन्हें कहते हैं? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल. पहले हम ये समझ लें कि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स क्या हैं. होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाई ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स. केवल एक टाइप के एलिमेंट्स से वो बनेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स. अब ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स डायएटॉमिक हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल O2, ओके, N2. ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं दो एलिमेंट हैं, दोनों के दोनों एक से हैं. दो एलिमेंट हैं, दोनों एक से हैं. हेटरोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके केस में आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स जिनमें कि एक एलिमेंट के अलावा दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है. तो यहाँ पर क्योंकि हमें डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करनी है तो जो हेट्रो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके एग्जांपल है कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, HCl है, HF है. ये क्या है? दीज आर हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. क्योंकि केवल दो एटम है बट ये दोनों एटम अलग अलग एलिमेंट के हैं. तो पहले हम ये क्लियर कर लें कि हम होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कह रहे हैं और हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कह रहे हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन. सबसे सिंपल मॉलिक्यूल के बनाने की बात हम करेंगे और उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आप देखेंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कुछ मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि ये H2 मॉलिक्यूल की बात हम कर रहे हैं. तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है एक, ये किसका है? ये है एक H का, ओके, हाइड्रोजन एटम का. और यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम का है, ओके. और यहाँ पर इस ऑर्बिटल का नाम हमने दिया ये 1s है और ये क्या है? 1s है. तो अगर एक हाइड्रोजन एटम को हम देखेंगे तो उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1s1. ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा? 1s1. यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है. जब ये 1s ऑर्बिटल और ये 1s ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होंगे देन दे विल फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. 1s दिस एंड अनदर इज दिस. तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका नाम क्या होगा? 1s सिग्मा. इसको हम फिर से देखेंगे, ये क्या बनेगा? इसका नाम होगा, दिस इज सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और ये जो ऑर्बिटल है ये बनेगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और अगर ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? आप देखेंगे सारे रूल वही लागू होंगे. तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा. तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? यहाँ आ गए. तो अगर मैं कहूँ कि H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग
टू। देखिए दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों के दोनों कहाँ हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अगर मैं कहूँ कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या है, हाफ हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, कितने हैं टू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, जीरो, माइनस जीरो इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो कितना होता है, वन। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो देखिए हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ओके, अगर हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों पेयर्ड है, सो इट इज डाया मैग्नेटिक इन नेचर। ये कैसा होगा, प्रति चुंबकीय होगा एच टू मॉलिक्यूल। इसी को अगर मैं कहूं कि मुझसे अगर कोई पूछे कि एच टू प्लस बताइए, भाई एच टू प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो मैं किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल का कर सकती हूं, क्योंकि मैं आप क्या कहूं कि एक जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मैं एच का दिखाऊं, तो ये एच का क्या है, 1s ऑर्बिटल। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहां पर मैं एक एच को क्या दिखा दूं, वन प्लस दिखा दूं, तो यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन इसका जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, खाली होगा। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूं तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद ये जो ऑर्बिटल बना सिग्मा 1s बॉन्डिंग और ये ऑर्बिटल बना सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ओके, अब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, एच टू प्लस का मतलब है केवल एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा इस मॉलिक्यूल का वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, पैरा मैग्नेटिक। कैसा हो गया, पैरा मैग्नेटिक, अनुचुंबकीय हो गया। और अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूं तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, कितना है, वन, और माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, जीरो। तो माइनस जीरो, इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0.5। तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर है एच और एच के बीच में। अब आप देखिए एच टू और एच टू प्लस को देखिए, एच टू का बॉन्ड ऑर्डर कितना था, वन, और एच टू प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 0.5। ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। तो आप इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बता सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि एच टू जो है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक है, और यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पर आप देखिए कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अधिक होगी। तो अगर हमसे कोई कहे कि भाई इन्हें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर इनको अरेंज कीजिए, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि H2 की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अधिक है और H2 प्लस की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। और अगर आपसे लेंथ पूछे कोई तो H2 की बॉन्ड लेंथ कम है और H2 प्लस की बॉन्ड लेंथ क्या है, अधिक है। अगर मैं किसकी बात करूं, बॉन्ड लेंथ की। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये क्रम होगा। तो इस तरीके से देखिए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है जब मैं एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कर रही हूं। ओके, इसी तरीके से आप देखिए अगर मैं HE2 मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना चाहूं तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है, HE का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है, HE का, दोनों HE हैं। ओके, दोनों HE हैं, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 एंड 1s2। जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं अरेंज करूँ तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स। अब जब दोनों मिक्स होंगे तो ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे इस ऑर्बिट। ये क्या है एक्चुअल में, दीज आर MOs, ये क्या है, MOs है। इसका नाम क्या है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग और ये क्या है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे बच्चों,
डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कहेंगे क्योंकि आप देखिए इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, आप देखिए सिग्मा वन एस बॉन्डिंग टू सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग टू, ये इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इस मॉलिक्यूल का। ये किसका एमओ है, ये है एच ई टू मॉलिक्यूल के एमओज है। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर देखूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, वन अपॉन टू, दो इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, तो टू माइनस टू इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो आप देख सकते हैं कि डायमैग्नेटिक होगा, क्या ये एडजस्ट करेगा, ये देखिए पॉइंट आ गया, ये जीरो है बॉन्ड ऑर्डर, यानी एच ई और एच ई के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो एच ई जो है वो एक मोनो एटोमिक गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, इसलिए क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जीरो है। तो बॉन्ड ऑर्डर से ही हमें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये हमें पता चल गया कि एच ई जो है एक मोनो एटोमिक गैस है। अगर हम एच ई टू प्लस को देखें तो हम क्या कहेंगे कि एक एच ई क्या है, एक एच ई तो प्लस है और दूसरा एच ई क्या है, एच ई है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये इसमें तो होगा एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन इलेक्ट्रॉन अरेंज होने हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ। इसका नाम आपको पता है सिग्मा वन एस बॉन्डिंग और इसका नाम क्या है, सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बिकम सिग्मा वन एस बॉन्डिंग टू सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग वन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। अब आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल होगा पैरा मैग्नेटिक, क्यों होगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये देख लीजिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका वन अपॉन टू, और आप देखिए दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और एक एंटी बॉन्डिंग में, सो इट इज टू माइनस वन, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बिकम इक्वल टू 0.5। इसका मतलब है एच ई टू प्लस में भी पॉसिबल, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5। तो आप देख रहे हैं हमें पता चल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। से हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की ओर चलते हैं, Li2। अब देखिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को आसानी से कर सकते हैं, अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझ में आ गया तो हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करके दिखा सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब आप देखिए मैं Li2 की बात कर रही हूँ, ये एक Li है, ये दूसरा Li है, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब आप जानते हैं कि Li का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Li का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, ये 1s ऑर्बिटल है और ये क्या है 2s ऑर्बिटल, ऐसे ही ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये है एमओज, ये किसके एमओज होंगे, Li2 के। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी है तो कैसे होगी, देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएंगे, देखिए यहाँ फिल हो गए और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ फिल हो जाएंगे। अब हम नेमिंग करेंगे ऑर्बिटल्स की, ये जो ऑर्बिटल है सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये क्या है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ये है सिग्मा 2s बॉन्डिंग और ये है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। हम नाम हमने सीख लिए थे कैसे लिखने हैं, अब आप बहुत आसान हो जाएगा, हर एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बहुत आसान होगा। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Li2 मॉलिक्यूल का क्या होगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग टू सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा 2s बॉन्डिंग टू सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग वन, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं होगा, बस 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आप इसको देखिए ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं, सो इट इज डायामैग्नेटिक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व होगा ये, डाया मैग्नेटिक मटेरियल होगा Li2। और अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा
देखिए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है बॉन्डिंग में और दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यहाँ है, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ इंटू फोर। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू, माइनस टू इज इक्वल टू वन, सो बॉन्ड ऑर्डर इज वन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो Li और Li है उसके बीच में कितने बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमसे कोई पूछे Li टू प्लस बनाइए, Li टू प्लस बना लेंगे, एक Li को प्लस कर देंगे, एक को Li रहने देंगे, तो ये हम कर सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम इसको प्लस की ओर करेंगे, तो आपने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। जैसे जैसे मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज आएगा, तो आप देखेंगे एंटी बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर कम होगा और बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अधिक होंगे, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे प्लस की ओर जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ओके, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं बीई टू का। तो हमें ये देखना है कि बीई टू मॉलिक्यूल में, ये बीई का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये बीई की एटॉमिक ऑर्बिटल है। बच्चों जब भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ करें तो आप सब कुछ लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हमें पता चल जाएगा, चेक करने वाले को भी पता है कि इसने सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं भी कर पाए तो फिर भी जो है आप बहुत कुछ यहाँ पर दिखा चुके होते हैं। ओके, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कन्फिग्रेशन है बेरिलियम का, बेरिलियम का जो कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2। ओके, तो 1s2 2s2 1s2 2s2। तो देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन है, अब जब ये लीनियरली कंबाइन करेंगे तो ये चार इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएंगे और ये चार इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएंगे। तो अब आप इसको, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, एमोज है। किसके एमोज है, बीई टू अगर बनता तो उसके ये एमोज होते। तो अब आप सबसे पहले कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए बॉन्ड ऑर्डर। तो आप बॉन्ड ऑर्डर देखिए क्या होगा, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दो दो चार, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, टू एंड टू फोर, तो एंटी बॉन्डिंग में भी फोर इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, जीरो। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो बेरिलियम है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, जीरो। तो इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, जीरो। तो अगर हमसे कोई कहे कि भाई बी टू एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, जीरो होता है। अब आप देखिए बोरोन, बोरोन पर हम आ गए, और बोरोन पर जब आप देखेंगे तो एक बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p1, यानी इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर चुका है, पी ऑर्बिटल में। और अब हम ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जब पी में एंटर कर दिया है तो 1s का भी इन्वॉल्वमेंट होगा बॉन्डिंग में, 2s का भी होगा और P का भी होगा, लेकिन हम डायग्राम में दिखा नहीं रहे हैं 1s, क्योंकि एक तो वो एनर्जी बराबर होती है, दूसरा जगह की कमी हो जाती है, तो इसलिए जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं दिखाएंगे, हम केवल इनकी बात कर रहे हैं यहां पर जो दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी इन्वॉल्व होगा, आप चाहे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हमने इसको शॉर्ट किया है और बुक्स में भी इसी तरीके से आपको मिलेगा। ये बोरोन का एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी बोरोन के एटॉमिक ऑर्बिटल है, बट हमने कहां से शुरू किया है, 2s से, ये 2s ऑर्बिटल है, ये है, दिस इज 2p ऑर्बिटल, ये कैसा है, 2p ऑर्बिटल है। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो अब आप देखिए कि इस ऑर्बिटल का, पहले हम इन ऑर्बिटल्स के नॉमनक्लेचर कर लें, ये क्या है, एमोज है। किसके एमोज है, जो नया मॉलिक्यूल बन रहा है B2 के। ओके, ये जो बीच में है, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ये क्या है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ये क्या था बच्चों, पाई पी 2px बॉन्डिंग, पाई 2px वाई बॉन्डिंग, और ये क्या है, पाई सॉरी दिस इज सिग्मा, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, ये क्या है, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई
टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग और ये क्या है सिग्मा टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग। तो पहले हमने इनके नाम लिख दिए जो कि हमने पहले भी सीखे थे। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फिल करेंगे तो देखिए यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन है और दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, 1, 2, 3, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। अब देखिए पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब इनकी बारी आ गई। अब यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो यहाँ पर कैसे होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और यहाँ पर फॉलो हुआ, आप देख रहे हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप देख रहे हैं कि पहले एक और हुंस का रूल यहाँ पर लगा है कि एक जब दोनों की मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरेगा, देन ओनली पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, ये होगा पैरा मैग्नेटिक अनुचुंबकीय, ये मॉलिक्यूल होगा B2 मॉलिक्यूल। ओके, और अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 1/2 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 2, 3, 4 कितने हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, 4 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा, सिंगल। इसका मतलब बोरोन और बोरोन जब बॉन्ड बनाएंगे तो इसके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो आपको अगर प्लस चार्ज का मॉलिक्यूल कहा जाए तो आप इजिली कर सकते हैं और प्लस जैसे ही होगा आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज। ओके, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा 1s bonding 2, sigma 1s anti bonding 2, ये हमने दिखाया नहीं है, देखिए ये भी इन्वॉल्व होंगे, sigma 2s bonding 2, sigma 2s anti bonding 2 और फिर आप देखेंगे pi 2px bonding 1 और इसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, pi 2py bonding 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बोरोन के मॉलिक्यूल का, एंड दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन मॉलिक्यूल। इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज के बारे में हमने बताया। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए बच्चों, ये आपको बहुत जरूरी है ध्यान देना, जिसको आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एनर्जी का क्रम है, 2 ऑर्बिटल्स 1 ऑर्बिटल 2 एंड 1, आप 2 1 2 1 ये याद कर लीजिए कि यहाँ पर पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है और जो सिग्मा ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या है, अधिक है। और ये यहाँ पर हम जब देखेंगे, जब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे बताने की कि यहाँ पर ऐसा क्रम क्यों है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दिस क्रम विल बी चेंज। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे कार्बन मॉलिक्यूल का, और कार्बन मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है कार्बन का, एक कार्बन का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरे कार्बन का, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं C2 जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा उसके। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर हम आप देखेंगे कि यहाँ पर हम 2 से हमने स्टार्ट किया है, ये 2s ऑर्बिटल है, ओके 2s ऑर्बिटल है, ये भी 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पर हैं 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास और यहाँ पर भी 2-2 इलेक्ट्रॉन से हैं, 2p के पास, 2sp के पास। अब इनका अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद आप देखेंगे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, देखेंगे जो पी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 1, 2, 3 एंड 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल होंगे। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ से पॉइंट मिल रहा है वो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिल रही है और सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक। तो ये डाया मैग्नेटिक नेचर का मॉलिक्यूल होगा C2। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखना चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स 2
फोर सिक्स, कितने हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, टू होगा बच्चों। इसलिए कि एक जब सी टू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो सी और सी के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, टू है। ओके, और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमसे कोई पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा सिग्मा वन एस बॉन्डिंग टू, सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग टू, सिग्मा टू एस बॉन्डिंग टू, सिग्मा टू एस एंटी बॉन्डिंग टू, देन पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग टू, और दिस इज इक्वल्स टू पाई टू पी वाई बॉन्डिंग टू, क्योंकि ये क्या है, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, और ये है सिग्मा टू एस एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा टू एस बॉन्डिंग। तो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बता सकते हैं। ये क्या है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। आप इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के नाम रखेंगे, ये हम बार बार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये हम एक बार बता चुके हैं कि किस तरीके से ये अरेंज होता है। आपको ये याद रखना है कि टू वन टू वन, ये क्रम आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम देखेंगे एन टू मॉलिक्यूल, जहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p3। ओके, तो जब हम इनके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो हम ये देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 2s, ये क्या है 2s ऑर्बिटल, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये जो है वो नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं बीच में वो किसके हैं, N2 के जो बनेगा मॉलिक्यूल उसके हैं। ओके, तो ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अब हम दिखाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, चार इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल होंगे कि दो बॉन्डिंग में, दो एंटी बॉन्डिंग में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी है। देखिए, तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। और अगर हम इनका नाम दें ऑर्बिटल्स का, तो अगेन दिस इज सिग्मा 2s बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, दिस इज पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, एंड दिस इज सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। तो इस तरीके से अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N2 मॉलिक्यूल का क्या होगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2, फिर क्या होगा, पाई 2px बॉन्डिंग 2, इट्स एनर्जी इज इक्वल्स टू पाई 2py बॉन्डिंग 2, एंड देन सिग्मा 2pz बॉन्डिंग 2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, फिर इनकी एनर्जी, फिर इनकी एनर्जी। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ। ओके, जब हमने बॉन्ड ऑर्डर देखना है, तो अब देखिए जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7, 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, 8, और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, केवल दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3, बॉन्ड ऑर्डर 3। इसका मतलब क्या है कि जब हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड होता है जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो इस क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। और अगर हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें बच्चों, देखिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, इसलिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हमसे पूछेगा तो ये कैसा है, डाया मैग्नेटिक। तो हम बहुत आसानी से इस मॉलिक्यूलर डायग्राम को जब भी ड्रॉ करेंगे तो हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसकी देनी होंगी। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन का मॉलिकुलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम, और मैंने आपसे कहा था कि ये बात ध्यान रखनी है कि इससे पहले आपने देखा कि यहाँ पर टू ऑर्बिटल नीचे थे और वन ऑर्बिटल ऊपर था। देखिए नाइट्रोजन में टू ऑर्बिटल नीचे हैं और वन ऑर्बिटल ऊपर है, जबकि जैसे ही हम ऑक्सीजन पे आते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं पी ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाफ फील्ड से बढ़ जाता है, वहां पर आप देखिए एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है जो कि सिग्मा बॉन्डिंग होता है, और जो दो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसको एक बार मैं आपको और ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगी, आपको वो पोर्शन दिखाऊंगी जहां पर चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमने नाइट्रोजन के केस में ये पढ़ा, अब आप ध्यान से देखिए, और ऑक्सीजन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये और देन ये। तो ये जो क्रम होगा एनर्जी का, ये क्या ऑर्बिटल्स हैं सबसे नीचे, अगर ये किसकी केस है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से नीचे, और ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ऊपर F2 होगा या Ne2 होगा। तो ये नाइट्रोजन से ऊपर अगर हम देखेंगे तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का क्रम ये होगा, जहां पर ये है पाई 2px बॉन्डिंग और ये है पाई 2px एंटी बॉन्डिंग एंड दिस इज सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, दिस इज पाई 2px एंटी बॉन्डिंग एंड दिस इज पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब यहां पर आप एनर्जी का क्रम देखिए, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, सॉरी दिस इज बॉन्डिंग, देन पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2px एंड 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पर सिग्मा की एनर्जी कम हो गई और यहाँ पर सिग्मा की एनर्जी क्या थी, अधिक थी। ऐसा क्यों होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पर दोनों के पास, हम दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के पास क्या है, एक 2s ऑर्बिटल भी था यहाँ पर। ये क्या है, दिस इज 2p ऑर्बिटल एंड दिस इज 2p ऑर्बिटल। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2s ऑर्बिटल को, ये कैसा ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल दोनों का। तो जो ऑक्सीजन से नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है बच्चों, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ये है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से नीचे है, यानी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से नीचे, हाफ फील्ड N2 है, C2 है, B2 है, हम सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर C2 है, B2 है, ये मॉलिक्यूल्स जो है, और यहाँ पर हम अभी बात करेंगे F2 की। तो ये मॉलिक्यूल्स के केस में जो 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी गैप है 2s और 2p के बीच में वो कम होता है, यहाँ पर जो एनर्जी गैप है 2s और 2p के बीच में अधिक होता है। तो जहाँ पर ये गैप कम होता है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होगी sp मिक्सिंग। तो यहाँ पर sp मिक्सिंग होगी, यहाँ पर नो sp मिक्सिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, जहां पर s और p के बीच में गैप कम होगा, यहाँ पर s और p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद क्या होगा, मिक्स होने से क्या होगा कि जो सेम सिमेट्री के जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे देखिए अगर s और p में हम देखें तो ये जो ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है, यहाँ पर देखिए 2p, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, तो ये जो है वो एक दूसरे को और रिपेल करेंगे, दूर हो जाएंगे। ऐसे ही ये जो ऑर्बिटल होगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा pz बॉन्डिंग, ये भी एक दूसरे से क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। ये सिमेट्री इनकी लगभग एक सी होती है। तो मिक्स होने के बाद क्या होता है, जो सेम सिमेट्री के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी और उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो उनमें एनर्जी गैप बढ़ेगा। तो ये जो ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है ये दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, और ये जो ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर होंगे, इसलिए बीच में कौन आ गए, पाई ऑर्बिटल्स। जबकि यहां पर ये एस और पी की मिक्सिंग नहीं होगी, और अगर मिक्सिंग नहीं होगी तो इन ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्शन नहीं होगा, जिनकी सिमेट्री सेम होगी।
यहाँ पर ये जो पाई ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम है और यहाँ पर जो सिग्मा ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है, क्योंकि सिग्मा और सिग्मा का रिपल्शन नहीं है यहाँ पर। रिपल्शन तब होता जब इनकी मिक्सिंग होती, यहाँ पर रिपल्शन हो गया है, सिग्मा और सिग्मा का रिपल्शन होने की वजह से ये दोनों दूर चले गए, तो इनके बीच में कौन आ गए, पाई आ गए। तो एस पी मिक्सिंग की वजह से ये एनर्जी क्रम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पाई नीचे है देन सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा है देन पाई है। इसीलिए ऑक्सीजन और एफ टू के केस में जो सिग्मा पीजेड, कहीं पर ये पी एक्स भी लिखा रहता है बच्चों, अलग अलग तरीके का लिखा रहता है, तो वो जिन ऑर्बिटल्स में जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे पी ऑर्बिटल्स, कहीं पर जेड लिखा रहता है, कहीं पर एक्स लिखा रहता है, तो इसमें अधिक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जनरली जेड को सिग्मा बॉन्डिंग बनाते हुए कहा जाता है, तो इसलिए ये क्रम होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस तरीके का क्रम क्यों है। अब हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये जो ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये जो है एम ओ ऑफ ओ टू मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो क्या है, 1s2 2s2 2p4। ओके, तो अब हम यहाँ पर 2s ही दिखा रहे हैं, तो इसलिए देखिए यहाँ पर 2s2 इलेक्ट्रॉन है और 2p4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही आप देखेंगे इस वाले ऑक्सीजन एटम में भी 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखानी है, तो ये चार इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे। ओके, और ये जो ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी फीलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी। अगर हम इनका नाम दें तो आप देखेंगे इसका नाम क्या है, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ये क्या है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ये है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, ये है पाई PX 2PX बॉन्डिंग, पाई 2PY बॉन्डिंग। ओके, ये क्या है, पाई 2PX एंटी बॉन्डिंग, पाई 2PY एंटी बॉन्डिंग, एंड दिस इज सिग्मा 2PZ एंटी बॉन्डिंग। तो ये हमने नाम दे दिए, तो अगर हमें नाम पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग टू सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा 2s बॉन्डिंग टू सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा 2pz बॉन्डिंग टू देन पाई 2px बॉन्डिंग टू, ये इक्वल किसके है, पाई 2py बॉन्डिंग टू, एंड देन फिर देखिए आप किसकी एनर्जी है, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 1, और ये किसकी एनर्जी के बराबर है, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग 1। तो आप देख सकते हैं, देखिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये कैसा है नेचर में, ये है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक है, देखिए ये कौन बता पाया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता पाई कि ये एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है। पैरामैग्नेटिक समझ गए, पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि ये कैसा है, अनुचुंबकीय है, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको क्या कहती थी, डायामैग्नेटिक कहती थी। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 2 8, कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग है, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 3 4, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2। इसका मतलब है जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसी तरीके से बच्चों हम O2- है, O2- है, O2+ है, इन मॉलिक्यूलर आयंस के भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को शो कर सकते हैं, जिसको मैं आपको शो करती हूँ अभी।
O2 प्लस का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें हम बहुत अधिक मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि हम O2 का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अकॉर्डिंगली उसका लिख सकते हैं। केवल हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ किसकी O2 मॉलिक्यूल प्लस की, तो यहाँ पर जो O2 एक O है और एक क्या हो जाएगा O+। O+ के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे और किसके होंगे, O के होंगे। तो O में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s2 2p4 ये हो गया देखिए, और O+ में कितने होंगे, 2s2 p3 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। अब जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ओके, अब देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 + 3 = 7। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। ये क्या है, एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। कैसी स्पीसीज है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर देखूं तो क्या है, 1/2 × नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 कितने हैं, 8 बॉन्डिंग है। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 + 1, 3 3 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर होगी कितनी आएगी, 2.5 आएगी। याद रखिए कितनी है, 2.5। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कितनी थी, 2 थी। अब हम O2 माइनस मॉलिक्यूल को देखेंगे। O2 माइनस का मतलब है कि एक तो ऑक्सीजन है और एक क्या है, O माइनस है। ये क्या है, O माइनस के एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये O का एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये किसके हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2 माइनस। अब हम इसको देखें तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, 2s2 2p4, तो इसका कॉन्फिगरेशन तो यही रहेगा। और O माइनस का क्या हो जाएगा, 2s2 p5, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे p ऑर्बिटल में इस तरीके से। अब आप इसको जब लीनियरली कंबाइन करेंगे ये 2s ऑर्बिटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं p ऑर्बिटल में, 4 और ये कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4, 5, 9 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे फिल होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये स्पीसीज कैसी है, पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर देखूं, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम इसका देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए ये आ जाएगा 1/2 × नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2, 2, 4 और 1, 5 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। तो आप देख रहे हैं कि O2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आ गया 1.5। अब हम देखेंगे O2 2 माइनस को। O2 2 माइनस को अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये स्पीसीज भी O माइनस है, ओके, और ये जो स्पीसीज है वो भी क्या है, O माइनस है। तो जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा इनका, 2s2p5, तो इसका भी 2s2p5 है, ओके, और इसका भी क्या है, 2s2p5। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर देंगे। अब हम इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए, फिल यहाँ हो गए। अब आप देखिए पी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 5 यहाँ है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 तो 10 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज होंगे। अब आप देखिए ये एक स्पीसीज कैसी है, दिस इज डाया मैग्नेटिक स्पीसीज। ये कैसी होगी, डाया मैग्नेटिक स्पीसीज होगी। और अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 × बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 6 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर बढ़ रहा है, और जब प्लस है तो एंटी बॉन्डिंग में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज होगा, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम इनके कंपैरिजन देखते हैं, इन डिफरेंट स्पीसीज के कंपैरिजन हम देखेंगे। तो अभी हमने जो बात की, हमने कहा कि O2 है, पहले हम ले लेते हैं O2 प्लस, फिर हम ले लेते हैं O2,
फिर हम ले लेते हैं O2 माइनस और फिर ले लेते हैं O2 2 माइनस। तो अब देखिए जब हमने इनकी बॉन्ड ऑर्डर की बात की, तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर इस O2 O2 प्लस का कितना था 2.5, O2 का कितना था 2.0, O2 माइनस का कितना था, O2 माइनस का था 1.5 और O2 2 माइनस का कितना था 1। तो अगर हमें कोई कहे कि इनको बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो हम कैसे अरेंज करेंगे, ये दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड। ओके, अब अगर हमसे कहे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। तो अगर कोई कहे तो हम क्या करेंगे, O2 प्लस, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, देन O2, देन O2 माइनस, देन O2 2 माइनस। ओके, अब अगर हमसे कोई कहे कि बॉन्ड लेंथ के क्रम में इनको अरेंज कीजिए, तो हम कैसे करेंगे, हमने फिर से लिखा O2 प्लस, O2, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस। तो हम जान रहे हैं कि जैसे जैसे इन माइनस चार्ज बढ़ रहा है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ के क्रम क्या होगा, ये होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे कम वहां होगी जहां बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक होगा। तो इस तरीके की हम कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जानकारी है तो हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम देखेंगे एग्जांपल वो देखेंगे F2 का। तो अब हम F2 का एग्जांपल बनाएंगे कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर F का बनाना हो तो ये यहाँ राइट साइड में F का एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और दूसरे F के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा 2s2 2p5। ओके, 2s2 2p5, और दूसरे f का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी होगा 2s2p5। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये कौन सा ऑर्बिटल है 2s, ये 2s, ये 2p है और ये 2p है। फिर हम जानते हैं ऑर्बिटल्स के नेम, इसका नाम है सिग्मा 2s बॉन्डिंग, इसका नाम है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ये है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग और ये है पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, ये है पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और ये है पाई 2py एंटी बॉन्डिंग एंड दिस इज सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरीके से हम इनके नेम भी जानते हैं। अब हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। यहाँ पर उसकी फिलिंग अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो जाएंगे बच्चों, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन, मैं अलग कलर से दिखा दूं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिट हो जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए 5 + 5 = 10, तो ये कैसे अरेंज होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो गए। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। तो F2 मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 × बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 6 जो है वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब है कि F और F के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी F2 मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होता है। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं F2 के हैं। ओके, और अगर हम F2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2, सॉरी 1s, देन सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, देन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2, देन सिग्मा 2pz बॉन्डिंग 2, देन पाई 2px बॉन्डिंग 2 एंड देन पाई 2py बॉन्डिंग 2 एंड देन पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई
2PY एंटी बॉन्डिंग 2। तो इस तरीके से हम इस F2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम देखते हैं कि Na2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो क्योंकि अगर हम ड्रॉ करके देखना चाहें तो ये थ्योरी हमें बताएगी कि ये जो नीली जो नियोन का 2 जो डायटमिक मॉलिक्यूल है क्या वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चलेगा। तो नियोन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1, 2, 2s2, 2p6। ओके, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देन दूसरे नियोन का भी यही होगा, 2s2, 2p6। ठीक है, तो ये नियोन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से फिल होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब आप इसको देखिए, ये क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, पहले हम ये देख लेते हैं, 1/2 × नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0। तो क्या नियोन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, जो नियोन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0। तो जो नियोन है वो एक मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, इसीलिए वो Ne2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने ये जानने की कोशिश की कि होमो एटॉमिक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं और हेट्रो एटॉमिक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जब हम इसे समझ गए तो फिर हमने होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ड्रॉ किए, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, वो कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर का होगा। जैसे H2 मॉलिक्यूल है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, H2+ पैरामैग्नेटिक है, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के आयन्स का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और ये थ्योरी हमें बताती है कि He2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि He एक क्या है, मोनोएटोमिक गैस है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, 0 है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि He2+ कैन एग्जिस्ट। ओके, Li2 को अगर हम देखेंगे तो Li2 जो है वो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है, तो Li के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और ये हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं। Be2 एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है, ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है। देन हम B2 को देखेंगे तो अगेन B2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, B और B के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और अगर हम C2 को देखेंगे तो C2 जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, मतलब C और C के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। और स्पीसीज के बारे में हमें पता चल रहा है कि ये एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। N2 अगर आप देखेंगे तो N2 के बारे में आपने देखा कि ये N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ये एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग थिंग और निकल के आई, जहाँ पर आपने देखा कि N2 और N2 से नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके केस में ये जो क्रम है एनर्जी के ऑर्डर ऑर्बिटल्स का वो चेंज होता है, पाई का एनर्जी कम होती है और सिग्मा की अधिक होती है, जबकि O2 F2 में ये जो सिग्मा है उसकी एनर्जी कम होती है और पाई की एनर्जी अधिक होती है, ड्यू टू नॉन SP मिक्सिंग। यहाँ पर SP मिक्सिंग होती है, उसकी वजह से जो सेम सिमिट्री के जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें रिपल्शन होता है, वो दूर चले जाते हैं। फिर आपने O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा और आपने देखा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, और ये एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई, जिससे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। इसी तरीके से हम डिफरेंट आयन्स के भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे O2+ का, O2- का, O2-2- का, और इनमें हम कंपेयर कर सकते हैं देयर बॉन्ड ऑर्डर, देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड देयर बॉन्ड लेंथ। किसी भी मॉलिक्यूल की
हम कंपेयर कर सकते हैं। देन हमने F2 मॉलिक्यूल देखा जहां पर F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और एक ये डायमैग्नेटिक स्पीसीज होती है। फिर हमने देखा कि भाई एक नियॉन अगर हम मॉलिक्यूल बनाना चाहें तो क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। सो दिस काइंड ऑफ स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक स्पीसीज। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ हेट्रो न्यूक्लियर डायटॉमिक स्पीसीज। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।